आप फरमाते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, आखिर आपका अकीदा है क्या, आप हजरत मिर्ज़ा साहब को क्या मानते हैं? मुतवातिर पिछले 3-4 प्रोग्राम्स में हम इसका जवाब देते आए हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। जो सवाल हम तक पहुंचता है हम उस सवाल को एहतराम की नज़र से देखते हैं और पूरी कोशिश है कि हर सवाल का हम जवाब दे सकें। मुख्तसरन अर्ज करते चलें, हम आपके सवाल का जवाब यह है कि हम हजरत मिर्ज़ा साहब को मसीह मौऊद और इमाम महदी मानते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मामूर मानते हैं, एक नबी मानते हैं। हम आपको वो इमाम महदी मानते हैं जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई कि आप आखिरी ज़माने में इस्लाह उम्मत के लिए तशरीफ लाएंगे। कौन सी उम्मत? हज़रत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। और कौन सी इस्लाह? वही इस्लाह जो कि उस तर्ज पे इस्लाह जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तालीमात की रोशनी से होगी, कुरान की रोशनी में होगी, हदीस की रोशनी में होगी, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में होगी। कोई नई चीज़ का ना इजाफा उसमें किया आप अलैहिस्सलाम ने, ना उसमें से किसी चीज़ को कम किया, बल्कि बयाने ही जिस तरह से हज़रत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया तक पहुँचाया था, आपने उसको रिवाइज़ किया, क्योंकि आप एक ऐसे दौर में मबूस हुए जब दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से बहुत दूर जा चुकी थी। आज भी जब आप देखते हैं ये हमारे बरसगीर पाक व हिंद के माशरे में, अगर हम देखें तो बज़ाहिर कहने को मुसलमान हैं, किबला इस तरफ है, इस तरफ एक कब्र है, तो कब्र की तरफ लोग सजदा करके आपको पड़े हुए आज भी मिलेंगे, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। आप मज़ारों पे चले जाएं आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जब वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते थे एक ऐसे शिर्क में मुब्तला हो गए, बल्कि कई तरह के शिर्क में मुब्तला हो गए, तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मबूस किया और आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाह उम्मत का वो काम किया जिसकी पेशगोई हज़रत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से खबर पाकर दी थी। तो बिशारत अली साहब, ये आपके सवाल का मुख्तसर जवाब है, लेकिन हमेशा हम अपने नाज़रीन को कहते हैं कि हम यहाँ पर जो जवाब देते हैं वो हम अमूमी दिलचस्पी के सवालात का जवाब देते हैं, उस हद तक जो कि अमूमी दिलचस्पी का बायस हो सकता है, जो कि अमूमी तौर पे जो है वो उस सवाल के जवाब को कवर करता है। हर सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा तफसील के साथ भी दिया जा सकता है। अगर आपको कोई भी तफसील चाहिए हो, आपको लगे कि आपकी तसल्ली जवाब से नहीं हुई, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, quest@mta.tv हमारा ईमेल है। टेक्स्ट मैसेज के जरिए हमसे रابطہ कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई आपसे अलग से रابطہ करे, बजरिया ईमेल, बजरिया टेलीफोन या इन पर्सन फिजिकली आपसे मिलकर कोई रابطہ करे, तो अभी आप हमें बताएं, हम इंशाल्लाह ताला इस चीज़ की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मिले।